अच्छा जी चलें, देखिए IRR क्या होता है, व्हाट इज IRR? IRR होता है प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, सही जी सर। और IRR में डिसीजन रूल क्या होता है, अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो वो प्रोजेक्ट हमें बेनिफिट देके जाएगा और हम ये कहेंगे कि जी ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है। और NPV में डिसीजन रूल क्या होता है कि NPV अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है और ये हमें बेनिफिट देके जाएगा, सही है। अच्छा, अब IRR के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि हम MIRR की बेस तक पहुंच जाएं। प्रॉब्लम विद IRR, F9 में भी हमने कुछ डिस्कशन की थी इसके ऊपर ना, कि IRR में कुछ गड़बड़ होती है, बाज दफा NPV और IRR कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, सही है। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज आ जाते हैं, अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं कि नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि पहले इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद सीरीज ऑफ इनफ्लोज आते हैं। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर इनफ्लोज आ रहे हैं, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अगर अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं तो IRR समटाइम्स गिव अस अ मल्टीपल IRR। अगर मल्टीपल IRR आएगा ना तो हमारा डिसीजन रूल जो होगा ना IRR का वो गड़बड़ हो जाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि एक IRR आपका आ रहा है फॉर एग्जांपल 8% का और एक IRR आपका आ रहा है 25% का और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, आप किसकी बात मानेंगे भाई? सही है, सही सर, सही। अच्छा, ये मल्टीपल IRR इसलिए आ जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जब सीरीज ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं ना तो IRR में हम कहते हैं वो डिस्काउंटेड, इस पर NPV जीरो हो जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, सही है। अच्छा, IRR में IRR कैलकुलेट करते वक्त हमारी एक अजम्पशन होती है और वो अजम्पशन होती है री इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जो भी प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रही होती है ना उसके बारे में हम एज्यूम करते हैं कि वो री इन्वेस्ट हो रही होती है, सही है, और री इन्वेस्ट हो रही होती है एट द रेट ऑफ IRR। यही अजम्पशन NPV के अंदर भी होती है, वहां पर अजम्पशन क्या होती है कि री इन्वेस्टमेंट हो रही है एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सी अजम्पशन ज्यादा रियलिस्टिक है? मसलन एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमेशा यूनिक नेचर के होते हैं, यू नो दैट, सही है। तो अगर उस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिल रहा है और फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिल रहा है 12%, तो अगर ये यही रिटर्न हम हर जगह इन्वेस्टमेंट से अचीव नहीं कर सकते, सही है। तो जब उस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिलेगा, उसकी प्रोसीड आएगी, उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे किसी और जगह, तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है, ये तो रियलिस्टिक अजम्पशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि री इन्वेस्टमेंट हो रही है एट द रेट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिटर्न, तो प्रोजेक्ट्स का रिटर्न तो प्रोजेक्ट से ड्राइव हो रहा है ना, उसके अलावा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वैसा रिटर्न तो ड्राइव नहीं होगा। तो ये जो अजम्पशन है ना ये IRR को ओवर स्टेट कर देती है, जिसकी वजह से बाज दफा ऐसा होता है कि डिसीजन रूल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। NPV सेज दैट प्रोजेक्ट बेकार है, सही है, और IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप किसकी बात मानेंगे? चलो
इन दैट केस हम एडवाइस देते हैं फॉलो एनपीवी, क्योंकि एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन एक्यूरेट है, रियलिस्टिक अजम्पशन. तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा रिलायबल ये कि आपने एनपीवी पे भरोसा करना है. सही सही सर. अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट जी पूछो सर. सर ये री इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे क्या मतलब था कि प्रोजेक्ट के वर्किंग कैपिटल में वो री इन्वेस्ट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, री इन्वेस्टमेंट से यहाँ ये मुराद है कि आपने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, पहले साल इनफ्लो आया, सही है, वो इनफ्लो कहाँ जा रहा है? सही. हमने कहा प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, तो 5 साल में हम ये जो पैसा है ना, ये जितना भी रिकवर हो रहा है, ये उठा के कहीं री इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. सही है. अच्छा MIRR इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करता है. सही है. तो MIRR क्या है? MIRR भी IRR की तरह क्या है? प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट का रिटर्न है. ठीक है. सही है. एक सेकेंड देना है, जस्ट मुझे तो होता है. MIRR भी प्रोजेक्ट का रिटर्न है, लेकिन MIRR में हमने क्या किया, MIRR में हमने जो री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है ना, उसको सीधा कर दिया. री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि प्रोजेक्ट के रिटर्न जो हैं वो री इन्वेस्ट होंगे एट प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एज ए रिजल्ट नाउ MIRR और NPV में क्या फर्क हुआ? MIRR is a relative measure, percentage based method, और NPV is an absolute measure. सही है? NPV आपको project के return के बारे में बता रहा है absolute terms में, और MIRR आपको percentage terms में बता रहा है. अगर MIRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो वो प्रोजेक्ट फीजिबल होगा. MIRR और एनपीवी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे. सही. तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट मेजर्स दी economic yield of the investment under the assumption of that any cash surplus are reinvested at firm's cost of capital. Clear? See? Clear, bhai? Okay, sir. अब MIRR calculate कैसे करते हैं? MIRR calculate करने का formula. So, MIRR कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जर्नल फार्मूला जो MIRR का इस्तेमाल होता है वो होता है PVR डिवाइडेड बाय PVI 1/N 1+RE-1. ये कॉमन सा फार्मूला है MIRR कैलकुलेट करने का. इसमें PVR क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज. PVI क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज. अभी तो मैं बताया था ना कि अनकन्वेंशनल कैश फ्लोस का मतलब मसला होता है जी, जी. उसको हल करने के लिए रिटर्न फेज और इन्वेस्टमेंट फेज का चक्कर है कि अगर वाकई अनकन्वेंशनल कैश फ्लोस हैं तो जो भी इन्वेस्टमेंट फेज है ना उसको आप अलग कर दें और रिटर्न फेज को अलग करते हैं. जब इन्वेस्टमेंट फेज अलग हो जाएगा, रिटर्न फेज अलग हो जाएगा, तो आपका जो मसला था ना वो मसला हल हो जाएगा.
एक तरीका तो ये है. अब एक ही फॉलो कर लिया जाए तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल सर आपका वो ऑडियो बहुत कट रहा है अभी, एकदम साइलेंट हो गया. So 1, 2, 3, 4 and that is 20,000, 8,000, 12,000, 4,000 and 2,000. अब ये प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%.